अच्छा दीदी, शराबबंदी को लेकर मध्य प्रदेश में आपने? हाँ, मेरी शिवराज जी से मुलाकात होने ही वाली है। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, शराब के खिलाफ। तुमने कहा था जागरूकता से ये छाएगी, मिटेगी शराब और नशा मिटेगा, तो मैं पहले उन्हीं से जाके बात करूँगी कि जागरूकता से यदि सरकार शराब और नशे को रोकने का कोई प्रोग्राम बनाए हो तो मैं उसमें सहयोग करूँगी, अन्यथा मैं शराबबंदी का जो अनुरोध कर रही हूँ उसको शिवराज जी मान लें। मध्य प्रदेश में शराबबंदी होके रहेगी। बहुत अफसोस होता है क्योंकि उमा भारती के साथ हमारे पुराने संबंध रहे हैं। जब वो बहुत छोटी थी तो उस समय वो रावगढ़ भी आई थी, और एक बात जरूर है कि भाजपा ने उनके साथ बहुत अन्याय भी किया है। 2003 में वो मुख्यमंत्री बनी थी लेकिन उनको हटाया गया, और अनेक बार उमा जी बात कर रही हैं शराबबंदी के बारे में, लेकिन शिवराज सिंह जी उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं। मैं तो पहले से कह रहा हूँ, जब से सिंधिया जी भाजपा में गए हैं, भाजपा में तीन गुट हो गए हैं, एक है शिवराज भाजपा, एक है महाराज भाजपा और तीसरा है नाराज भाजपा। तो शायद उमा भारती जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, ये शायद वो आज नाराज भाजपा में है। अच्छा दीदी, शराबबंदी को लेकर मध्य प्रदेश में आपने? हाँ, मेरी शिवराज जी से मुलाकात होने ही वाली है। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, शराब के खिलाफ। तुमने कहा था जागरूकता से ये छाएगी, मिटेगी शराब और नशा मिटेगा, तो मैं पहले उन्हीं से जाके बात करूँगी कि जागरूकता से यदि सरकार शराब और नशे को रोकने का कोई प्रोग्राम बनाए हो तो मैं उसमें सहयोग करूँगी, अन्यथा मैं शराबबंदी का जो अनुरोध कर रही हूँ उसको शिवराज जी मान लें। बहुत अफसोस होता है क्योंकि उमा भारती के साथ हमारे पुराने संबंध रहे हैं। जब वो बहुत छोटी थी तो उस समय वो रावगढ़ भी आई थी, और एक बात जरूर है कि भाजपा ने उनके साथ बहुत अन्याय भी किया है। 2003 में वो मुख्यमंत्री बनी थी लेकिन उनको हटाया गया, और अनेक बार उमा जी बात कर रही हैं शराबबंदी के बारे में, लेकिन शिवराज सिंह जी उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं। मैं तो पहले से कह रहा हूँ, जब से सिंधिया जी भाजपा में गए हैं, भाजपा में तीन गुट हो गए हैं, एक है शिवराज भाजपा, एक है महाराज भाजपा और तीसरा है नाराज भाजपा। तो शायद उमा भारती जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, ये शायद वो आज नाराज भाजपा में है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।